नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको नियोमेक टैबलेट के डॉग्स के लिए फायदे बताए थे। उस वीडियो पे आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला और एक कमेंट में देख रहा था जो कॉमनली उसमें आया हुआ था, और वो ये था कि नियोमेक टैबलेट को हम डॉग्स में किस तरीके से दे सकते हैं, कब दें, कितनी दें, प्लीज़ हमें डिटेल से बताइए। तो आज इंतज़ार हुआ समाप्त और मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि नियोमेक टैबलेट को आप किस तरीके से, कैसे और कितना दे सकते हैं। देखिए, पहली बात है कि इसको देने का समय कौन सा रहना चाहिए। समय चाहे आप जो भी रखें, लेकिन 2 घंटे पहले और 3 घंटे बाद आपको भूखा रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियोमेक में आप साल्ट देख रहे हैं, साल्ट है आइवरमेक्टिन। क्या साल्ट है भाई? साल्ट है आइवरमेक्टिन। ये साल्ट डिवॉर्मिंग का भी है, आपको पता है एक्टो एंडो पैरासाइट्स पर काम करता है, तो डिवॉर्मिंग की तरह ही इसे देना है। यानी 2 घंटे पहले आप भूखा रखें और 3 घंटे बाद आप भूखा रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो उपयुक्त समय रहता है वो अगर आप सुबह के समय इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी आपको इसे देना है खाली पेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह के समय खाली पेट आप दे दीजिए। इसके अलावा इसे देना कैसे है, देखिए ये टैबलेट फॉर्म में आती है, तो आप अगर चाहें तो सीधी मुंह में डाल करके और पानी ऊपर डाल दें, या कैसे ही करके सीधा मुंह में भी आप दे सकते हैं। यानी कैसे दे सकते हैं? सीधा मुंह में, नंबर वन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे पीस करके और पानी में घोल करके और ड्रॉपर की मदद से भी पिला सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। यानी सेकेंड, आप इसे दे सकते हैं पीस करके, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो आप इसके टुकड़े करके या पीस करके कैसे भी खाने में मिला करके आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप इसे खाने में भी दे सकते हैं। ये हो गया इसका देने का तरीका कि आप कैसे इसे देंगे। अब आप कितना देंगे, देखिए ये कितना देने वाली बात जो है ना, इसको आप अच्छी तरीके से समझना। कितना देंगे? एक टैबलेट जो है वो 10 mg की आती है। कितने एम जी की आती है? 10 mg की एक टैबलेट आती है, ठीक है। जिस टैबलेट को 10 mg की जो एक टैबलेट है, इस एक टैबलेट को हम 20 किलो के लिए अच्छा मानेंगे। कितने के लिए? 20 किलो के लिए। यानी ये आपको 20 kg के लिए एनफ रहेगी। अगर 10 किलो का है तो आधी कर दीजिए, और अगर 30 किलो का है तो इसे 1.5 गुना कर सकते हैं। लेकिन लास्ट आप बड़े डॉग में भी 2 टैबलेट से ज़्यादा ना दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो 20 किलो पर एक टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात और आती है कि हम इसे रिपीट कब करें। कई भाई जो है वो रोज़ देने लग जाते हैं, तो भाई ये रोज़ देने की नहीं है। आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सप्ताह से रिपीट कीजिए, अदरवाइज़ 1 महीने से रिपीट कीजिए। यानी इसका जो रिपीट है वो भी आप सोच समझ करके करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो 7 दिन से करें और या 1 मंथ से रिपीट करें। और लास्ट इसकी 3 डोज आप दे सकते हैं बस। रिपीट 7 दिन से करें तो 3 डोज, महीने में करें तो भी 3 डोज। 3 डोज से ज़्यादा भी आपको नहीं देनी है, तो रिपीट भी इस तरीके से करनी है। तभी नियोमेक के जो फ़ायदे मैंने उस वीडियो में आपको बताए थे सारे के सारे, वो आप ले पाएंगे।